मैं ये गाने में आने के कारण बहुत ही मेरा इमोशनली बहुत मैं अटैच हूँ मिस्टर राजीव मोहानी जी, जो बहुत मतलब मैंने अगर अपनी लाइफ का करियर का कोई स्टार्ट बोलूँ तो इनकी एक पहली फिल्म थी इलाका, जो ये प्रोड्यूसर थे और मैं उसमें एज अ ग्रुप डांसर 400 डांसरों में था और मेरे बॉस कमल मास्टर जी थे, मैं तब से देख रहा हूँ इनको। फिर इनके बाद इन्होंने अपनी बैनर्स में इम्तिहान, सुरक्षा बहुत सारी फिल्म बनाई, फिर इन्होंने डायरेक्ट की राम और शाम, इसकी टोपी उसकी सर, वो सब में मैं एज ए कोरियोग्राफर था। तो स्ट्रगल वक्त से मैं जब यहाँ तक आया हूँ तो इमोशनल एक कनेक्शन है, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ये गाना कर रहा हूँ और मेरा फुली सपोर्ट है राजू जी को कि ये फिल्म बहुत ही चले, बहुत ही मतलब दिखने में फिल्म एक्टिंग करते हैं ऐसे लगते हैं लेकिन बहुत दिल से बहुत नरम और बहुत ही इमोशंस पर्सन है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ये गाना जो कर रहा हूँ, और गाना जब मैंने सुना बेसिकली तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी ज़माने में परदेसी परदेसी जाना नहीं उस टाइप का गाना था। और राजू जी ने बोला कि मास्टर जी अब आफ्टर ABCD मैंने कोई अपेरेंस नहीं की, मतलब ABCD के बाद मतलब मैं अपने आप को अवेयर रख रहा था कैमरे पर्दे के पीछे से, तो लेकिन राजू जी ने बोला और फिर मुझे फिर लेके आया वापस एक बार और मैं गाना कर रहा हूँ। बेसिकली गाने करने मैंने छोड़ दिए थे बहुत सारे, गाना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बेसिकली सोशल सब्जेक्ट है और आम कहानी है जो आजकल हर किसी के घर में ऑलमोस्ट होती है, कुछ घर में अच्छा होता है कुछ घर में बुरा होता है, तो अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं इसमें और बुराई का रिजल्ट क्या है वो भी है इसमें। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अनुराधा कैरेक्टर मिली, वो भी राजू सर की वजह से, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर के साथ काम करके और बहुत ही एक्सपीरियंस मिली मुझे, एंड दिस मूवी आई गॉट सो मच ऑफ नॉलेज एंड एक्टिंग क्या होती है और बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या होती है, एंड जो सर ने जिस तरीके से टीच किया है और जो सर ने मतलब हमारे डायरेक्टर सर ने जो मतलब हर एक रोल और हर एक सीन अपने खुद से कोरियोग्राफी करके हमें दिखाते थे कि इस तरीके से होना चाहिए तो मतलब वी आर नॉट फील, कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ, कभी मूवी ख़त्म होगी, कभी स्टार्ट हुई, कभी कंप्लीट शूट होगी, मुझे हमें पता ही नहीं चला। एंड वी आर इंजॉइंग विथ राजू सर एंड वी लर्न मोर एंड मोर एंड मोर, बहुत कुछ सीखा बिकॉज ही हैव 35 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। राजू सर के बारे में एक बात बोलनी पड़ेगी मुझे कि वो थोड़ा लॉजिक में जाते हैं हर चीज़, एक अपने इंडस्ट्री में एक बात है सिनेमैटिक लिबर्टी जो हर कोई लेता है, हर डायरेक्टर लेता है लेकिन राजू सर नहीं लेते, इसलिए हमें प्रॉब्लम भी काफ़ी हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मूवी में, काफ़ी ऐसे सीन थे काफ़ी टफ हो गए इस वजह से क्योंकि सर सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं लेते, वो हर चीज़ के लॉजिक में जाते हैं। जैसे मुझे पता लगा कि सर ने काफ़ी टाइम बाद मूवी डायरेक्ट की है और जो कि मूवी रिलीज़ हो रही है